या सो हायोल, हम इस वीडियो में यूज रिड्यूसर हुक के बारे में देखने वाले हैं, एंड व्हाट इज यूज रिड्यूसर एंड हाउ वी विल यूज इन आवर एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड मैं रिएक्ट पर फुल कोर्स बना रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हो। एंड माई नेम इज अनुज सिंगला एंड आई वुड लाइक टू टीच वेब डेवलपमेंट टू एवरीबडी एंड वॉन्ट्स टू मेक द लाइफ ईजी फॉर द वेब डेवलपर। ओके सो लेट्स सी, मीन्स मैंने क्या किया है, मैंने यूज रिड्यूसर हुक के लिए कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन कर लिए, तो इससे क्या होगा आपकी आपको ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। ओके सो यूज रिड्यूसर, सो यूज रिड्यूसर भी एक सेम है यूज स्टेट के जैसे, जस्ट डिफरेंस इज कि यूज रिड्यूसर हम यूज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए, एंड यूज स्टेट हम यूज करते हैं फॉर स्मॉल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, लाइक प्रिमिटिव टाइप्स, बूलियन वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू मोस्टली, बट यू कैन यूज इट, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डैट, बट बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज द यूज रिड्यूसर फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा। एंड ये क्या करता है, यूज रिड्यूसर क्या करता है, पहला पैरामीटर एक रिड्यूसर लेता है, रिड्यूसर में फिर उसमें क्या होता है, वो हमको पैरामीटर स्टेट और एक्शन दे देता है और इनिशियल वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है ना, फिर जैसे हम यूज कंटेक्स्ट और यूज रिड्यूसर के हेल्प से, हमने यूज कंटेक्स्ट का पिछले लाइव वीडियो में देखा है और यूज रिड्यूसर अभी हम देखने वाले हैं, इन दोनों के कम्बिनेशन से हम रिडक्स को अवॉइड कर सकते हैं फॉर स्मॉल एप्लीकेशन ओनली। ठीक है, तो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए हम इन दोनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स अल्टरनेटिव मेंटेन कर सकते हैं, वो मैं मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड आपको थोड़ा सा मैं रिडक्स के बारे में बता देता हूँ, रिडक्स है क्या, रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम स्टेट मैनेज करते हैं। एक इसके अंदर ना तीन चीजें होती हैं, एक तो स्टोर होता है, स्टोर क्या करता है, जो पूरी जितनी भी स्टेट होते हैं, जो जो हमने स्टेट डलवाई है उसको मैनेज करता है, उसके एक ही स्टोर होता है, मीन्स ग्लोबल लेवल पे उसके अंदर सभी स्टेट्स होती हैं, सपोज आप 10, 20, 30 जो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से होते हैं। एंड रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर एक तो करंट स्टेट रिटर्न करता है और ट्रिगर करता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन वी विल परफॉर्म। ठीक है, और एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके हम एक्शन टाइप बता देते हैं, और रिड्यूसर को बताता है कि तेरे को स्टेट को कैसे चेंज करना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे हमारे यूआई पे एक बटन है, बटन के हमको एक बटन पे क्लिक करके हमको कुछ स्टेट चेंज करनी है, तो क्या होगा, तो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे कि एक्शन परफॉर्म होएगा, जैसे कि इंक्रीमेंट काउंट, तो वो एक्शन हो गया इंक्रीमेंट काउंट, तो वो रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर को बोलेगा इंक्रीमेंट काउंट में क्या होगा, जैसे काउंट की वैल्यू को +1 करना है हमको, तो वो क्या करेगा, +1 कर देगा और उस अपडेटेड स्टेट को स्टोर को दे देगा, तो स्टोर क्या करेगा अपने पास होल्ड कर लेगा न्यू वैल्यू को, और यूआई पे क्या करेगा, सब्सक्राइबर लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नोटिफाई करेंगे कि काउंट की वैल्यू चेंज हुई है, तो उससे क्या होगा, यूआई चेंज हो जाएगा। तो रिडक्स इस फ्रेमवर्क पे काम करता है, मोस्टली तीन चीजें होती हैं रिडक्स में। ठीक है, हम मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दिया है रिडक्स के बारे में, बट हम लेटर ऑन देखने वाले हैं। ठीक है, और मोस्टली मैं एक फुल कोर्स बनाने वाला हूँ रिडक्स पे, तो क्योंकि ये बहुत यूजफुल है फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन और हम बहुत यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं यूज रिड्यूसर के बारे में। ठीक है, सो यूज रिड्यूसर का हम मोस्टली यूज करते हैं इसके अंदर मीन्स कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए, एंड ये मीन्स वही मैंने आपको बता दिया, रिड्यूसर होता है और इनिशियल वैल्यू। अब हम ना एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं, तो अगेन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी, उसका नाम होगा यूज रिड्यूसर डॉट tsx। मैं अगेन रिड्यूसर मीन्स कोई भी, जैसे मैं आपको कोई ये यूज रिड्यूसर के बता रहा हूँ, तो उसके नाम से मैं फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए जब भी आप मेरा कोड देखोगे गिटहब पे। अब हम एक रिड्यूसर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, क्या होता है, एक काउंट स्टेट रिटर्न करता है और एक डिस्पैच मेथड ये रिटर्न करता है हमारा यूज रिड्यूसर। ठीक है, अब ये क्या क्या एक्सेप्ट करता है, एक तो रिड्यूसर, रिड्यूसर
एक्सेप्ट करता है और एक इनिशियल वैल्यू रिटर्न एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब हमको पहले क्या बनाएंगे, हम इनिशियल वैल्यू बनाएंगे हम सबसे पहले। तो पहले हमको बताना होगा कि किस टाइप के हमारे स्टेट है। तो हमारी स्टेट है जैसे काउंट। तो अब मैं इनिशियल वैल्यू डलवा लेता हूँ इसमें, किस टाइप की है मेरी, आई स्टेट टाइप की है। काउंट मेरा जीरो हो गया, ठीक है, इनिशियल वैल्यू होगी। अब मैं बनाऊंगा एक रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होएगा, जैसे मैं इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक स्टेट हो जाएगी, वो किस टाइप की रहेगी मेरी स्टेट, आई टाइप की रहेगी। और एक एक्शन होगा, एक्शन में अभी एनी टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। रिड्यूसर हो गया और एक इनिशियल स्टेट होगी। तो इसको क्या क्या चाहिए, एक यूज रिड्यूसर चाहिए और एक इनिशियल वैल्यू चाहिए इसको। अब इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन बनाएंगे हम। तो इसमें हो जाएगा एक्शन, किस टाइप का एक्शन होगा, मींस किस टाइप का, जैसे डिस्पैच में किस टाइप का एक्शन परफॉर्म होगा, जैसे इंक्रीमेंट टाइप का होगा। तो इंक्रीमेंट जब होए तो हमको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। स्टेट में क्या है हमारी, करंट स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है हमारी प्लस वन। हम क्या कर रहे हैं, करंट स्टेट में एक वैल्यू ऐड करवा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट पे। डिक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, करंट स्टेट में से एक वैल्यू माइनस करवा देंगे। थर्ड में हम बना लेते हैं रीसेट। रीसेट क्या करेगा, जस्ट इनिशियल वैल्यू डाल देगा उसमें। और अगर यूजर ने कुछ गलत दे दिया डिफॉल्ट पे क्या होगा, डिफॉल्ट पे जस्ट रिटर्न कर देगा करंट स्टेट को। ओके, इजी। जब हमने रिड्यूसर बना दिया उसमें करंट स्टेट क्या है और एक्शन, जो भी हम एक्शन परफॉर्म हो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे होगा। और हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लिया, लाइक ये एक्शन बन गया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट। मीन्स जब भी ये परफॉर्म, जब भी ये मैं इस टाइप का एक्शन सेंड करूँगा तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को अकॉर्डिंगली अपडेट करेगा। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम काउंट की वैल्यू दिखाएंगे। अभी करंट काउंट क्या है मेरा, अब मैं बटन पे इंक्रीमेंट काउंट करूंगा। इस पे क्या होगा, ऑन क्लिक पे ऑन क्लिक पे मैं क्या बताऊंगा उसको, किस टाइप का मेरा एक्शन परफॉर्म होगा, किस टाइप का, मीन्स डिस्पैच क्या करेगा, एक एक्शन परफॉर्म करेगा, मीन्स एक्शन को डिस्पैच कर देगा। किस टाइप का, वो इंक्रीमेंट टाइप का है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर आएगा, ये फंक्शन कॉल करेगा, वो देखेगा ओके इंक्रीमेंट टाइप का है तो काउंट की वैल्यू को प्लस वन कर देगा। सेम विद मैं फिर क्या करूँगा, थ्री टाइप के बनाएंगे, डिक्रीमेंट और एक रीसेट का। यहाँ पर एक्शन किस टाइप होगा, रीसेट का, एंड एक हो जाएगा डिक्रीमेंट का।
अब इसको हम जस्ट यूज कर लेंगे अपने यूआई पे। अब हम इसको यूआई पे देखेंगे हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, काउंट हो रहा है, इसको जस्ट हम थोड़ा सा ना चेंजेस कर लेते हैं। जस्ट नेक्स्ट लाइन के लिए ये करंट वैल्यू क्या है, जीरो। अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो देख रहे हैं आप, इंक्रीमेंट हो रही है। डिक्रीमेंट करता हूँ तो डिक्रीमेंट हो रही है। रीसेट कर रहा हूँ तो रीसेट हो रही है। जैसे रीसेट कर रहा हूँ तो रीसेट हो रही है। तो मेरे थ्री टाइप के एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो मेरे थ्री टाइप्स के एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, जितने भी आप यहाँ पर बनाओगे उतने टाइप के तो आपके एक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। एंड करंट स्टेट देता है एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हो, और डिस्पैच क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। मीन किस टाइप का हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट टाइप का हो जाता है। ओके, सो अगेन मैं ये जो जितना भी कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है रिएक्ट कोर्स करके गिटहब पे, वो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे सोर्स में मैंने जैसे लास्ट वाले में डिस्प्ले नेम या डिस्प्ले रोल नंबर इससे रिलेटेड बनाया था, और यूज कंटेक्स्ट हुक के बारे में बनाया था इससे पहले, उससे पहले यूज रेफ एग्जाम्पल के बारे में बनाया। तो आप मेरा कोड जस्ट यहाँ से क्लोन कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, और आप सब भी पूरा कोड देख सकते हो। और मैं क्रिएट रेक्ट ऐप के थ्रू बना रहा हूँ। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कवर करने का। एंड आप कमेंट्स कर सकते हो मेरे वीडियो पे। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूज कंटेक्स्ट प्रलेस, यूज रिड्यूसर को हम कैसे यूज करेंगे और स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं फॉर द ग्लोबल लेवल, ये हम देखने वाले हैं। ओके, थैंक्स ऑल फॉर, बाय बाय।